नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने उपस्थिति सभी लोगों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई। सभी ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म या भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने और हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ ली। इसके साथ ही सीएम ने इस दौरान सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने वाले किसानों का राज्योत्सव में सम्मानित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 2021 की दूसरी किश्त के तहत 21 हजार किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में 1745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त और गोधन न्याय योजना की राशि के हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की। इसको लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सद्भावना दिवस पर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कोविड महामारी के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। देश के सबसे किसानों के हित में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ किया है, वो हमारी सरकार की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है। 18 में जब हमारी सरकार बनी थी तो किसानों की पंजीयन की संख्या 18 लाख थी। आज हमने जो राशि का हस्तांतरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, 26 लाख से अधिक किसानों के खातों में ये राशि गई है। राजधानी रायपुर में कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी लेंगे बैठक। सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बनेगी रणनीति। तो कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, कल कांग्रेस इस बैठक में जो है कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो कल राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ये बैठक लेंगे जिसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक क्या कुछ खास? देखिए, कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इन बैठक जो है वो बेहद ही खास होगी, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर को एक बड़ा महारैली जो है वो कांग्रेस पार्टी निकालेगी और मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन करेगी। इसको लेकर के बैठक में चर्चा होनी है, किस तरीके की रणनीतियाँ तैयार होगी, कौन कौन जो है, इस तरीके की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ से बहुत से कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली 4 सितंबर को शिरकत करेंगे। इसके लिए बकायदा 17 बोगी की एक ट्रेन भी बुकिंग की गई है, इस तरीके की जानकारी भी है। और यहाँ से 4 सितंबर को जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, ये सभी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे, खासतौर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। इसी पर चर्चा के लिए कल जो है कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है, शाम 4 बजे राजीव भवन में होगी और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सचिव चंदन यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके साथ ही इसमें तमाम जो विधायक है और मंत्रिमंडल भी यहां पर मौजूद होगा, जो ये तय करेगा कि किस तरीके से इस आंदोलन को एक बड़ा मूर्त रूप देना है और किस तरीके से सभी को एकजुट करना है, कहां पर लोगों को जो है इकट्ठे करना है और कैसे रवानगी होगी, इसको लेकर के पूरी रणनीति बनाई जाएगी। बैठक की और अगर हम बात करते हैं तो बीते दिनों
जो है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के जो सभी कांग्रेसियों ने पद यात्रा की थी, 75 किलोमीटर की जो पद यात्रा की थी, उसकी भी जो है पूरी चर्चा की जाएगी, उसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा सभी विधायकों से कि किस विधायक ने कितना और कहां कहां की दूरी तय की, ये ब्यौरा भी वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो कल कार्यकारिणी की बैठक में ये दो अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर से मेन जो अहम मुद्दा है वो जो है 4 सितंबर को होने वाली एक महारैली का होगा, जिसको लेकर के कांग्रेस अभी लगातार भी बैठकें ले रही है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में जो है बारिश के आसार मौसम विभाग ने बताए हैं। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, ये संभावना जो है मौसम विभाग ने जारी की है। कई इलाकों में देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह जो है कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों से साफ बयान होता है मूसलाधार बारिश जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आई है, ये पूरी तस्वीर ही बदल दी है छत्तीसगढ़ की। चलिए नेहा के पास चलते हैं। नेहा केशरवानी, अब वहां की क्या कुछ तस्वीरें, मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बिल्कुल, जो है यहाँ पर भी अभी छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बीते पिछले 24 घंटों में मौसम विशेषज्ञ ने 5 संभागों में रेड अलर्ट जारी किया था। रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा और बस्तर, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना जताई थी, जिसके बाद से कई जो इस संभागों के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो बारिश के हल्के फुल्के जो छींटे हैं वो देखे गए थे, और मौसम में जो बदलाव है वो भी देखा जा रहा है। यहाँ पर तापमान भी बहुत कम हुआ है, तेज हवाओं का रुख है, इस तरीके की रायपुर में मौसम का मिजाज देखा गया है। अन्य संभागों की बात करते हैं तो बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, जहाँ पर कम बारिश दर्ज की गई थी, वहाँ पर भी जो है अब बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस तरीके के मौसम जो मौसम विशेषज्ञों की जो जानकारी है वो बहुत दिनों बाद जो है वो मानसून द्रोणिका जो है वो एक्टिव हुआ है, जिसके चलते मौसम में ये बदलाव देखा गया है। और अगर आज से बात करते हैं तो आज से और अगले 24 घंटे में भी कई इलाकों में भारी बारिश और मूसलाधार बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। कई इलाकों में जो जहां पर जलभराव या फिर ज्यादा बारिश की संभावना होती है, मौसम विशेषज्ञ जो है वहां पर अलर्ट रहने के भी जो निर्देश है वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से रायपुर में जहां जहां जिन जगहों में स्थिति बनती है जलभराव की, जहां पर लोगों को परेशानी हो सकती है, वहां पर भी जो है नगर निगम की टीम जो है वो एक्टिव भी रह रही है। तो इस तरीके से आज मौसम भी जो है करवट ले चुका है और आज भी भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। जी बिल्कुल नेहा, तो ये मूसलाधार बारिश का दौर जो है छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। चलिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां सीएम हाउस के घेराव की तैयारी में BJYM प्रदर्शन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रदर्शन को अरुण साव और अजय जामवाल का समर्थन है। ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत ने संभाला है ये मोर्चा। 24 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेगी BJYM। तो सीएम हाउस के घेराव की तैयारी में भारतीय जनता युवा मोर्चा, प्रदर्शन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। नेहा केशरवानी के पास चलते हैं, हमारे साथ लगातार बनी हुई है नेहा। सीएम हाउस का घेराव करेगी अब BJYM, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भाजपा युवा मोर्चा बेरोजगारी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर के 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास को घेरा जाएगा। इसके लिए बकायदा रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय जामवाल और जो है वो उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, इनका पूरा सपोर्ट रहेगा। इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही है, बीते दिनों भी बैठक हुई है, जिसमें इस तरीके की बातें निकल कर आई है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री निवास को घेरा जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा जो है वो उस दिन इकट्ठा होंगे और वहां पर मुख्यमंत्री आवास का जो है वो घेराव करेंगे। तो इसको लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही है। आज भी जो है बैठक हो सकती है, खासतौर से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, इनकी भी इसमें अहम भूमिका होने वाली है। ये भी पूरे बेरोजगार युवाओं को जो है एकत्रित कर रहे हैं और किस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री निवास को घेरा जाएगा उसको लेकर के यहां पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर के कल एकात्म परिसर में
बैठक हुई है और आज भी जो है वो बैठक हो सकती है, इस बात की जानकारी है। वहीं जो है प्रदेश के जो 2.5 लाख बेरोजगार युवा हैं, जिन्हें बहुत से युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, और जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, इन वादों को पूरा नहीं किया है, जिसमें बेरोजगारी युवाओं जो युवा है उनमें एक आक्रोश देखा जा रहा है। और इसी बात को लेकर के एक बड़े स्तर पर ये मुख्यमंत्री निवास घेरने की तैयारी कर रही है। बीते दिनों पहले भी जो है ये जो युवा है वो जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते थे कि इनके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाया जाए, तो इनकी जो रणनीति है वो पहले से ही चल रही है। लोग जगह जगह जाकर लोगों को युवा को इकट्ठा करते थे और उसके बाद जो है आज एक बड़े रणनीति की तैयारी करेगी। 24 अगस्त को पूरे प्रदेश भर से युवा एक जगह इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री निवास को घेरने की तैयारी करेंगे। तो करीब 5,000 से भी अधिक युवा और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेतागण हैं उनके भी इसमें शामिल होने की भूमिका रहेगी। बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। युवाओं का राजधानी रायपुर से की खबर, जहां कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी थाना प्रभारियों से जानकारी ली, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और गैर जरूरी हथियार रखने पर रोक के आदेश दिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर जो है ये बैठक, जिसमें बहुत कुछ चर्चा हुई और गैर जरूरी हथियार रखने पर रोक के आदेश दिए और वही सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। शुरुआत हम लोगों ने किया सीसीटीवी कैमरा किन अंचलों में और नहीं लगा है, क्योंकि अपराधी पकड़ने के लिए सबसे बड़ा सहायक आज की तारीख पे कैमरा हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक साबित हुआ है। अब तक के जितने बड़े बड़े प्रकरण हम लोगों ने किए हैं, चाहे मोबाइल हम लोग और कैमरा, ये दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। तो कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए मैंने कहा है बड़े एक बात मैंने एसपी साहब से कहा है कि रिवाल्वर पिस्टल और बंदूक लाइसेंसी जो है उनका एक बार परीक्षण कर ले, चुनाव के समय जमा करवाते हैं फिर दे देते हैं, तो एक बार परीक्षण कर लें, उनको आवश्यकता है तो रखवाएं, ना हो तो उसको निरस्त करें। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। वजह है कि इनकी साड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि साड़ी पर सवाल, तो दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर विधायक उत्तरी गणपत जागड़े एक ऐसी साड़ी पहनकर कार्यक्रमों में शामिल होती रही, जिसकी वजह से अब बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये वो पर्व है जब सभी कृष्ण भक्त अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने भी जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा ही किया। वो श्री कृष्ण की फोटो के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर कई कार्यक्रमों में शामिल हुई, लेकिन कृष्ण की ये भक्ति उन पर भारी पड़ गई। दरअसल जिस साड़ी को उत्तरी जांगड़े ने पहना था उस पर कृष्ण की कई फोटो प्रिंट थी, जिनमें से एक फोटो उनके पैरों के पास भी प्रिंट थी। इसी को लेकर वो राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई। तमाम सियासी दलों ने उन पर भगवान कृष्ण के अपमान और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। इसके बाद विधायक उत्तरी जांगड़े पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक बताते हो तो उस स्थिति में इनकी विधायक के द्वारा इस प्रकार का कृत्य कोई आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हिंदू धर्म के मानने वाले की भावना का भी सम्मान करना चाहिए, ये गलत है। भगवान श्री कृष्ण के अपमान को लेकर यादव समाज का आक्रोश भी जाहिर होने लगा। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महामंत्री अशोक यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने हमारे कुल देवता का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कांग्रेस विधायक ने माफी नहीं मांगी तो वो प्रदर्शन करेंगे। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं यादव समाज से, तो हम पूरे अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से उनका छत्तीसगढ़ में हर जिले में उनका विरोध करते हुए उनका पुतला दहन करेंगे। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर संत समाज भी खासा नाराज है। उन्होंने कांग्रेस विधायक से तुरंत माफी मांगने की मांग की।
हिंदू धर्म के लिए बहुत गलत है। इस प्रकार के भगवान का साड़ी पहनकर फोटो पहन करके हमारा हिंदू धर्म का अपमान करना है, इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा माफी मांगे। कृष्ण भक्ति में खुद को खास दिखाने के लिए विधायक उत्तरी जांगड़े ने खुद को कृष्ण के रंग में रंग तो लिया, लेकिन अपनी साड़ी की वजह से वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं। वहीं बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। रायगढ़ से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए संजय मानिकपुरी की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द दूंगे हाजिर। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक MDH। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव में जिला भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बाजुमो ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बाजुमो के अलावा जिला भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक पर सभा का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जमकर सभा के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही और युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पर, बेरोजगारी भत्ते को देने के मुद्दे पर, युवाओं को लेकर एक सार्थक रोजगार देने की रणनीति के मुद्दे पर पूर्णतः कांग्रेस की सरकार की विफलता आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुकी है। इसके पहले भी विधानसभा स्तरीय पूरे जिले में 6 विधानसभा में SDM कार्यालय का घेराव कर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता रोजगार की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया था और आज भी जिला युवा मोर्चा के पूरे जिले से आए पदाधिकारियों के, युवा मोर्चा साथियों के साथ यहां पे 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर और बढ़ते हुए अपराध, छत्तीसगढ़ में जो बढ़ते हुए अपराध उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर आज यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर जगदलपुर से, जहां बढ़ते मलेरिया और डेंगू के मामले को लेकर बीजेपी आंदोलन पर उतर गई है। शनिवार को एक दिवसीय धरना पर बैठे बीजेपी के नेताओं ने नगर सरकार को घेरती नजर आ रही है। शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले और हो रही मौतों को लेकर जो है चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से बस्तर में डेंगू से कई मौत हो चुकी है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें पब्लिक परेशान है। 24 लोग लगभग जो है ना मर चुके हैं। ऐसी स्थिति में मेयर जो है ना चुपचाप है, यहाँ के पार्षद चुपचाप हैं। इसी के लिए जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने आज एक दिवसीय धरना यहाँ पर रखा हुआ है और ये हम लोग इनको चेताना चाहते हैं कि आप जो है ना ऐसे हालात में आपने इस जगदलपुर को, शहर को रखा है, उसको जो है ना आप जो है ना समाधान करना चाहिए, कुछ करना चाहिए और जिला प्रशासन को भी करना चाहिए। अभी 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है युवा मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के मकान को घेराव किया जाएगा। सुकमा में हैदराबाद जाने वाली बस पर जुर्माना लगा है। बस में ओवरलोडिंग करने का ये जुर्माना लगा है। 62 सीट वाली बस में सवार थे 140 यात्री। ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 10,200 रुपए का जुर्माना। जगदलपुर से हैदराबाद जा रही थी ये बस, तो बस में ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना लगा है। ओवरलोडिंग बस पर जुर्माना, 62 सीट वाली बस में सवार थे 140 यात्री। ट्रैफिक पुलिस ने 10,200 रुपए का जो है ये जुर्माना लगाया है। जगदलपुर से हैदराबाद जा रही थी ये बस। महासमुंद के बतकुंदा के लोगों और स्कूली बच्चों ने बदहाल सड़कों को लेकर चक्का जाम किया है।
ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के बावजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे हमें सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं चक्का जाम की सूचना पर पुलिस की टीम और तहसीलदार की टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं तहसीलदार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया। उधर मौके पर ही दलदल सड़क पर गिट्टी डालकर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बतकुंडा गांव के स्कूल पहुंच मार्ग के साथ साथ गांव के गली मोहल्लों की सड़क की हालत बुरी तरीके से खराब है। मतलब पूरा ट्रैक्टर खेती किसानी बंद हो जाए, उसके बाद देने के लिए पूरा प्रस्ताव पारित भी हो चुका है। सरपंच से पूरा बातचीत भी हो गया था, पंच लोग भी थे, सभी थे। पानी के नाम से नहीं होगा। सड़क के बारे में इनकी मांग हुई है, इनके द्वारा निवेदन दिया गया था, उनकी स्वीकृति के संबंध में यहाँ से जो भी आकलन बना के भेज दिया गया है वहाँ और तत्काल में हमारे द्वारा जो है वो जो सड़क के लिए जो मुरम और बजरी की व्यवस्था की जा रही है और एक आध दो महीने में वो भी संभवतः स्वीकृति वहाँ से हो जाएगी। खबर रायपुर से, जहाँ रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित मेडिकल छात्रों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाकर मदद मांगी है। छात्रों ने शनिवार को अपने पालकों के साथ प्रेस क्लब में पत्र वार्ता कर अपनी पीड़ा बताई है। वहीं छात्रों के पालकों ने भी सरकार से तत्काल राहत पहुंचाने की अपील की है। छात्रों और पालकों की मांग है कि उन्हें राज्य के ही मेडिकल कॉलेजों में आगे की पढ़ाई पूरी करने का अवसर दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार अपनी ओर से मांग कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। उनका कहना है कि युद्ध के चलते छात्र वापस यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते। युद्ध से निर्मित हुई परिस्थितियों को देखते हुए उनके साथ न्याय किया जाए। राज्यपाल से भी समय मांगा है मीटिंग का, जिसका हम वेट कर रहे हैं। हम राज्यपाल से भी अनुरोध करते हैं, जैसे केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लेटर लिखा बच्चों के लिए, वैसे ही हमारे गवर्नर इस लेटर को लिखे पत्र को। सुनील पुरोहित, मेंबर CGU MPSA कोरबा। लगा हमने स्टेट पे, सेंटर पे हमारे MPs, MLAs और इनफैक्ट NMC में भी जाके प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में बहुत से प्रदर्शन हुए हैं और मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, मनसुख मांडविय जी से। सब जगह हमने कर दिया है, लेटर्स दे दिए हैं और अपने पिटीशन हमने 9 स्टेट्स से, पूरे इंडिया से 9 स्टेट्स ने पिटीशन अभी दर्ज कर दी है। खबर जगदलपुर से, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने आमागुड़ा के पास शनिवार दोपहर चक्का जाम कर दिया। साथ ही बस के मालिक और चालक पर FIR और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। दरअसल शनिवार की दोपहर सैकड़ों लोग आमागुड़ा के पास नेशनल हाईवे 30 पर पहुंचे, जिन्होंने पहले हादसे में मृत युवकों को श्रद्धांजलि दी, फिर सड़क पर बैठ मार्ग जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक रायपुर जगदलपुर मार्ग बंद रहा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। बस मालिक पर कार्रवाई करने जमकर हंगामा किया गया। इधर प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। आज ये जो धरना हम धरने बैठे हैं, कल जो दुर्भाग्य घटना हुआ हमारे भाइयों के बीच, आज जो हमारे साथ नहीं है, और इसलिए हम आज ये धरना दे रहे हैं कि आज हमारे बीच जो हुआ कल किसी और के साथ नहीं हो। धरना बस वालों की लापरवाही के कारण हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि आज हमारा परिवार हुआ है कल किसी और का परिवार हो। जो दुर्घटना हुई काफ़ी निराशाजनक थी, ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये जो दुर्घटना हुई बस और नेक्सॉन वाहन के बीच में हुई थी, जिसकी अभी जांच अभी चल रही है कि किस कारण से उसका दुर्घटना, पुलिस को बुलाया गया। और जैसे परिजनों का मांग है, उनकी मांग को लेकर हम लगातार अभी कार्रवाई चालू कर दी है और अभी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में अब तक करीब 300 से अधिक मामले एक्टिव हैं। डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जिला प्रशासन अलग अलग तरीके से जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। 48 टीम बनाकर जगदलपुर के 48 वार्डों में डेंगू की जांच के साथ डेंगू के रोकथाम की जानकारी दी जा रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस और नगर निगम की स्थिति का जायजा लिया। जिन वार्डों में प्रकरण, जैसे जवाहर वार्ड है, महादेव वार्ड है, इन वार्डों में बहुत ज़्यादा प्रकरण आए, तो वहाँ पे सघन रूप से हमारी टीम जाएगी और वहाँ पे लार्वा वगैरह को आइडेंटिफाई करना, सोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसे वहाँ पे ख़त्म करना, रिड्यूस करना, ये गतिविधियाँ जो है वहाँ पे की जाएगी, कल से प्रारंभ होगी। आपने वो कहावत सुनी होगी, दिए तले अंधेरा, ये कहावत बस्तर में चरितार्थ होता नजर आ रहा है। दरअसल बस्तर में डेंगू बुरी तरीके से पसरा हुआ है और 6 लोगों की इससे जान जा चुकी है। वहीं करीब 300 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं।
काफी जद्दोजहद चल रही है। हालांकि जिला प्रशासन की जो टेंशन है वो काफी बढ़ चुकी है और इस टेंशन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलग अलग वार्डो को चिन्हांकित कर रहे हैं कि कौन से ऐसे वार्ड हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, उस वार्ड को चिन्हांकित करके सभी टीम को उसी वार्ड में लगाया जा रहा है। इससे पहले 48 टीम बनाई गई थी, 48 टीम को 48 वार्ड में लगाया गया था, लेकिन अब रणनीति बदली गई है और इस रणनीति को बदल के अब प्रत्येक वार्ड जिसमें सबसे ज्यादा केस आए हैं, जवाहर नगर वार्ड जो है जिसमें 100 से ज्यादा केस आए हैं, उसमें अधिकतर टीम को गठित करके वहां पर तैनात किया जाएगा, छिड़काव बढ़ाया जाएगा और लोगों की टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। लेकिन नगर निगम में अभी मैं मौजूद हूँ और नगर निगम का नजारा दिखाता हूँ मैं। ये डस्टबिन है, गीला कचरा और सूखा कचरा, और ये गीला कचरा के अंदर आप देखेंगे तो मच्छर का सबसे ज्यादा लार्वा आपको इसमें नजर आएगा। निगम प्रशासन लगातार चारों तरफ जागरूकता फैलाने की बात कहती है, वार्ड में सफाई करने की बात कहती है, लेकिन नगर निगम के सामने ही ये डेंगू का एक बड़ा रूप तैयार होता नजर आ रहा है। आप देखिए बारीकी से कि कितने लार्वे जो हैं यहाँ पर पनप रहे हैं, और यही लार्वा जो है अगर निकलता है यहाँ से तो किसी न किसी को प्रभावित करेगा, चाहे वो नगर निगम के हो या फिर नगर निगम में काम करवाने पहुंच रहे हैं लोगों को भी ये रहेगी। बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। युवाओं का राजधानी रायपुर से की खबर, जहां कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी थाना प्रभारियों से जानकारी ली, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और गैर जरूरी हथियार रखने पर रोक के आदेश दिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर जो है ये बैठक जिसमें बहुत कुछ चर्चा हुई और गैर जरूरी हथियार रखने पर रोक के आदेश दिए और वही सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। शुरुआत हम लोगों ने किया सीसीटीवी कैमरा किन अंचलों में और नहीं लगा है, क्योंकि अपराधी पकड़ने के लिए सबसे बड़ा सहायक आज की तारीख पे कैमरा हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक साबित हुआ है। अब तक के जितने बड़े बड़े प्रकरण हम लोगों ने किए हैं, चाहे मोबाइल हम लोग और कैमरा, ये दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। तो कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए मैंने कहा है बड़े एक बात मैंने एसपी साहब से कहा है कि रिवाल्वर पिस्टल और बंदूक लाइसेंसी जो है उनका एक बार परीक्षण कर ले, चुनाव के समय जमा करवाते हैं फिर दे देते हैं, तो एक बार परीक्षण कर लें, उनको आवश्यकता है तो रखवाएं, ना हो तो उसको निरस्त करें। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। वजह है कि इनकी साड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि साड़ी पर सवाल, तो दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर विधायक उत्तरी गणपत जागड़े एक ऐसी साड़ी पहनकर कार्यक्रमों में शामिल होती रही जिसकी वजह से अब बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये वो पर्व है जब सभी कृष्ण भक्त अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने भी जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा ही किया। वो श्री कृष्ण की फोटो के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर कई कार्यक्रमों में शामिल हुई, लेकिन कृष्ण की ये भक्ति उन पर भारी पड़ गई। दरअसल जिस साड़ी को उत्तरी जांगड़े ने पहना था उस पर कृष्ण की कई फोटो प्रिंट थी, जिनमें से एक फोटो उनके पैरों के पास भी प्रिंट थी। इसी को लेकर वो राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई। तमाम सियासी दलों ने उन पर भगवान कृष्ण के अपमान और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। इसके बाद विधायक उत्तरी जांगड़े पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक बताते हो तो उस स्थिति में इनकी विधायक के द्वारा इस प्रकार का कृत्य कोई आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हिंदू धर्म के मानने वाले की भावना का भी सम्मान करना चाहिए, ये गलत है। भगवान श्री कृष्ण के अपमान को लेकर यादव समाज का आक्रोश भी जाहिर होने लगा। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महामंत्री अशोक यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने हमारे कुल देवता का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कांग्रेस विधायक ने माफी नहीं मांगी तो वो प्रदर्शन करेंगे। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं यादव समाज से, तो हम पूरे अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से उनका
छत्तीसगढ़ में हर जिले में उनका विरोध करते हुए उनका पुतला दहन कर दिया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर संत समाज भी खासा नाराज है। उन्होंने कांग्रेस विधायक से तुरंत माफी मांगने की मांग की। हिंदू धर्म के लिए बहुत गलत है, इस प्रकार के भगवान का साड़ी पहनकर फोटो पहन करके हमारा हिंदू धर्म का अपमान करना है, इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा माफी मांगे। कृष्ण भक्ति में खुद को खास दिखाने के लिए विधायक उत्तरी जांगड़े ने खुद को कृष्ण के रंग में रंग तो लिया, लेकिन अपनी साड़ी की वजह से वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं। वहीं बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। रायगढ़ से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए संजय मानिकपुरी की रिपोर्ट। राजनांदगांव में जिला भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बाजुमो ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बाजुमो के अलावा जिला भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक पर सभा का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जमकर सभा के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही और युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पर, बेरोजगारी भत्ते को देने के मुद्दे पर, युवाओं को लेकर एक सार्थक रोजगार देने की रणनीति के मुद्दे पर पूर्णतः कांग्रेस की सरकार की विफलता आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुकी है। इसके पहले भी विधानसभा स्तरीय पूरे जिले में 6 विधानसभा में एसडीएम कार्यालय का घेराव कर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता रोजगार की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया था और आज भी जिला युवा मोर्चा के पूरे जिले से आए पदाधिकारियों के युवा मोर्चा साथियों के साथ यहां पे 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर और बढ़ते हुए अपराध, छत्तीसगढ़ में जो बढ़ते हुए अपराध है उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर आज यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर जगदलपुर से, जहां बढ़ते मलेरिया और डेंगू के मामले को लेकर बीजेपी आंदोलन पर उतर गई है। शनिवार को एक दिवसीय धरना पर बैठे बीजेपी के नेताओं ने नगर सरकार को घेरती नजर आ रही है। शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले और हो रही मौतों को लेकर जो है चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से बस्तर में डेंगू से कई मौत हो चुकी है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें पब्लिक परेशान है। 24 लोग लगभग जो है ना मर चुके हैं। ऐसी स्थिति में मेयर जो है ना चुपचाप है, यहाँ के पार्षद चुपचाप है। इसी के लिए जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने आज एक दिवसीय धरना यहाँ पर रखा हुआ है और ये हम लोग इनको चेताना चाहते हैं कि आप जो है ना ऐसे हालात में आपने इस जगदलपुर को शहर को रखा है, उसको जो है ना आप जो है ना समाधान करना चाहिए, कुछ करना चाहिए और जिला प्रशासन को भी करना चाहिए। अभी 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है युवा मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के मकान को घेराव किया जाएगा। सुकमा में हैदराबाद जाने वाली बस पर जुर्माना लगा है। बस में ओवरलोडिंग करने का ये जुर्माना लगा है। 62 सीट वाली बस में सवार थे 140 यात्री। ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 10,200 रुपए का जुर्माना। जगदलपुर से हैदराबाद जा रही थी ये बस, तो बस में ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना लगा है। ओवरलोडिंग बस पर जुर्माना, 62 सीट वाली बस में सवार थे 140 यात्री। ट्रैफिक पुलिस ने 10,200 रुपए का जो है ये जुर्माना लगाया है। जगदलपुर से हैदराबाद जा रही थी ये बस। महासमुंद के बतकुंदा के लोगों और स्कूली बच्चों ने बदहाल सड़कों को लेकर चक्का जाम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के बावजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे हमें सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं चक्का जाम की सूचना पर पुलिस की टीम और तहसीलदार की टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं तहसीलदार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया। उधर मौके पर ही दलदल सड़क पर गिट्टी डालकर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बतकुंडा गांव के स्कूल पहुंच मार्ग के साथ साथ गांव के गली मोहल्लों की सड़क की हालत बुरी तरीके से खराब है।
मतलब पूरा ट्रैक्टर खेती किसान बंद हो जाए उसके बाद देने के लिए पूरा प्रस्ताव पारित भी हो चुका है। सरपंच से पूरा बातचीत भी हो गया था, पंच लोग भी थे, सभी थे। तो पानी के नाम से नहीं होगा। सड़क के बारे में इनकी मांग हुई है, इनके द्वारा निवेदन दिया गया था, उनकी स्वीकृति के संबंध में यहाँ से जो भी आकलन बना के भेज दिया गया है वहाँ और तत्काल में हमारे द्वारा जो है वो जो सड़क के लिए जो मुरम और बजरी की व्यवस्था की जा रही है और एक आध दो महीने में वो भी संभवतः स्वीकृति वहाँ से हो जाएगी। खबर रायपुर से, जहाँ रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित मेडिकल छात्रों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाकर मदद मांगी है। छात्रों ने शनिवार को अपने पालकों के साथ प्रेस क्लब में पत्र वार्ता कर अपनी पीड़ा बताई है। वहीं छात्रों के पालकों ने भी सरकार से तत्काल राहत पहुंचाने की अपील की है। छात्रों और पालकों की मांग है कि उन्हें राज्य के ही मेडिकल कॉलेजों में आगे की पढ़ाई पूरी करने का अवसर दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार अपनी ओर से मांग कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। उनका कहना है कि युद्ध के चलते छात्र वापस यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते। युद्ध से निर्मित हुई परिस्थितियों को देखते हुए उनके साथ न्याय किया जाए। राज्यपाल से भी समय मांगा है मीटिंग का, जिसका हम वेट कर रहे हैं। हम राज्यपाल से भी अनुरोध करते हैं, जैसे केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लेटर लिखा बच्चों के लिए, वैसे ही हमारे गवर्नर इस लेटर को लिखे पत्र को। सुनील पुरोहित, मेंबर CGU MPSA कोरबा। लगा हमने स्टेट पे, सेंटर पे हमारे MPs, MLAs और इनफैक्ट NMC में भी जाके प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में बहुत से प्रदर्शन हुए हैं और मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, मनसुख मांडविया जी से। सब जगह हमने कर दिया है, लेटर्स दे दिए हैं और अपने पिटीशन हमने 9 स्टेट्स से, पूरे इंडिया से 9 स्टेट्स ने पिटीशन अभी दारी मतलब दर्ज कर दी है। खबर जगदलपुर से, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने आमागुड़ा के पास शनिवार दोपहर चक्का जाम कर दिया। साथ ही बस के मालिक और चालक पर FIR और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। दरअसल शनिवार की दोपहर सैकड़ों लोग आमागुड़ा के पास NH30 पर पहुंचे, जिन्होंने पहले हादसे में मृत युवकों को श्रद्धांजलि दी, फिर सड़क पर बैठ मार्ग जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक रायपुर जगदलपुर मार्ग बंद रहा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। बस मालिक पर कार्रवाई करने जमकर हंगामा किया गया। इधर प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। आज ये जो धरना हम धरने बैठे हैं, कल जो दुर्भाग्य घटना हुआ हमारे भाइयों के बीच, आज जो हमारे साथ नहीं है, और इसलिए हम आज ये धरना दे रहे हैं कि आज हमारे बीच जो हुआ कल किसी और के साथ नहीं हो। धरना बस वालों की लापरवाही के कारण हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि आज हमारा परिवार हुआ है कल किसी और का परिवार हो। जो दुर्घटना हुई काफ़ी निराशाजनक थी, ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये जो दुर्घटना हुई बस और नेक्सॉन वाहन के बीच में हुई थी, जिसकी अभी जांच अभी चल रही है कि किस कारण से उसका दुर्घटना, पुलिस को बुलाया गया। और जैसे परिजनों का मांग है, उनकी मांग को लेकर हम लगातार अभी कार्रवाई चालू कर दी है और अभी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में अब तक करीब 300 से अधिक मामले एक्टिव हैं। डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जिला प्रशासन अलग अलग तरीके से जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। 48 टीम बनाकर जगदलपुर के 48 वार्डो में डेंगू की जांच के साथ डेंगू के रोकथाम की जानकारी दी जा रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस और नगर निगम की स्थिति का जायजा लिया। जिन वार्डों में प्रकरण, जैसे जवाहर वार्ड है, महादेव वार्ड है, इन वार्डों में बहुत ज़्यादा प्रकरण आए, तो वहाँ पे सघन रूप से हमारी टीम जाएगी और वहाँ पे लार्वा वगैरह को आइडेंटिफाई करना, सोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसे वहाँ पे ख़त्म करना, रिड्यूस करना, ये गतिविधियाँ जो है वहाँ पे की जाएगी, कल से प्रारंभ होगी। आपने वो कहावत सुनी होगी, दिए तले अंधेरा, ये कहावत बस्तर में चरितार्थ होता नजर आ रहा है। दरअसल बस्तर में डेंगू बुरी तरीके से पसरा हुआ है और 6 लोगों की इससे जान जा चुकी है। वहीं करीब 300 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं, काफी जद्दोजहद चल रही है। हालांकि जिला प्रशासन की जो टेंशन है वो काफी बढ़ चुकी है और इस टेंशन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलग अलग वार्डों को चिन्हांकित कर रहे हैं कि कौन से ऐसे वार्ड हैं जहाँ से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, उस वार्ड को चिन्हांकित करके सभी टीम को उसी वार्ड में लगाया जा रहा है। इससे पहले 48 टीम बनाई गई थी, 48 टीम को 48 वार्ड में लगाया गया था, लेकिन अब रणनीति बदली गई है और इस रणनीति को बदल के अब प्रत्येक वार्ड जिसमें सबसे ज्यादा केस आए हैं, जवाहर नगर वार्ड जो है जिसमें 100 से ज्यादा केस आए हैं,
उसमें अधिकतर टीम को गठित करके वहां पर तैनात किया जाएगा, छिड़काव बढ़ाया जाएगा और लोगों की टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। लेकिन नगर निगम में अभी मैं मौजूद हूँ और नगर निगम का नजारा दिखाता हूँ मैं। ये डस्टबिन है, गीला कचरा और सूखा कचरा, और ये गीला कचरा के अंदर आप देखेंगे तो मच्छर का सबसे ज्यादा लार्वा आपको इसमें नजर आएगा। निगम प्रशासन लगातार चारों तरफ जागरूकता फैलाने की बात कहती है, वार्ड में सफाई करने की बात कहती है, लेकिन नगर निगम के सामने ही ये डेंगू का एक बड़ा रूप तैयार होता नजर आ रहा है। आप देखिए बारीकी से कि कितने लार्वे जो हैं यहाँ पर पनप रहे हैं, और यही लार्वा जो है अगर निकलता है यहाँ से तो किसी न किसी को प्रभावित करेगा, चाहे वो नगर निगम के हो या फिर नगर निगम में काम करवाने पहुंच रहे हैं लोगों को भी ये प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यहाँ के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहां की भी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए एक बार वहां की स्थिति भी देख लेते हैं। जांजगीर चांपा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अंकित सिसोदिया पर लगा नाबालिग छात्रा को परेशान करने का आरोप, स्कूल जाते वक्त पीछा करने, फोन पर परेशान करने का आरोप लगा है। छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। अकलतरा थाने में दर्ज हुई अंकित के खिलाफ एफआईआर। तो एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा को परेशान करने, फोन करने और उसका पीछा करने के खिलाफ जो है छात्रा ने परिजनों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।